बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। फकनर ने आखिर क्यों पाकिस्तान के खिलाफ बकवास की और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की? राशिद खान ने आज फिर दिल जीते और साजिश कैसे बेनकाब हुई है, सबूत भी मिल गए हैं। अगर आपको मजीद तफसील जानना है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने पाकिस्तान सुपर लीग PSL में कोटा ग्लेडिएटर की नुमाइंदगी करने वाले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर जेम्स फोकनर से मुतालिक रद्द अमल दिया है। हकाम के मुताबिक PCB और कोटा ग्लेडिएटर ने मामले और जेम्स फोकनर के झूठे और गुमराह कुन इल्जामात का नोटिस लिया है। इस हवाले से जल्द तफसीली बयान जारी किया जाएगा। PCB जराये के मुताबिक जेम्स फोकनर को PCB ने 70% अदा कर दिए। बैंक ने तस्दीक की है कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर रकम की वसूली से मुकर गए। शराब के नशे में दुत होकर होटल का फानूस तोड़ दिया। सिक्योरिटी अमले के साथ नजीबा गुफ्तगु करते रहे। उनके हमरा बेन डंग और स्मित पटेल भी मौजूद थे। सामान होटल में फेंकते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे। जराये के मुताबिक जेम्स फोकनर दूसरे बैंक अकाउंट में रकम तलब करना चाहते थे। PCB ने पहली अदायगी वापस तलब की तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर ने इनकार कर दिया। PCB जराये के मुताबिक कोटा ग्लेडिएटर से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी ने लाहौर में होटल प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया। जराये के मुताबिक जेम्स फोकनर के होटल से चेक आउट के वक्त PCB को इसका अजाला करना पड़ा, जबकि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर ने इमिग्रेशन हकाम से भी बदतमीजी की। जेम्स फोकनर ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन्हें मालूम था कि इनका आखिरी मैच है और इन्हें मालूम था कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा बयान दिया जाए तो उन्हें IPL में शायद BCCI शामिल कर दे। क्योंकि बिग बैश लीग में जेम्स फोकनर को नहीं खिलाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करेंगे, ताकि एक तो ऑस्ट्रेलिया का दौरे पाकिस्तान शेड्यूल है उसमें मुश्किलात पेश आए, दूसरा इन्हें IPL खेलने का मौका मिले। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों और किस तरह राशिद खान ने पाकिस्तानियों के दिल जीते। दोस्तों, राशिद खान का आज आखिरी मैच है। होना तो ये चाहिए था कि आज राशिद खान आराम करते और कर रवाना होते, मगर राशिद खान ने आज मैदान में उतर कर साबित किया कि वो पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तानी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इसके अलावा राशिद खान ने अपनी पूरी फैमिली समेत पाकिस्तान का दौरा भी किया और लाहौर में कयाम किया और उसके साथ पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस देखे, जो कि वाज़ह तौर पर यह पैगाम है कि जो भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें नाकाम करेंगे। आखिर में बहुत जल्द ये भी मालूम हो जाएगा कि जेम्स फोकनर ने आखिर ऐसा क्यों किया। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें।